अब देखो, आज से लगभग एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2023 को HBO Max जो कि अब मैक्स प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी हैरी पॉटर की एक नई टीवी सीरीज के बारे में। एंड साथ ही हमें इसका एक ऑफिशियल टीजर भी देखने को मिल गया था, हालांकि उसमें लोगो के अलावा कुछ भी नहीं था। साथ ही हमें इसके बारे में ऐसी अपडेट भी जानने को मिली थी कि हमें इस टीवी सीरीज के करीबन 7 सीजन देखने को मिलने वाली हैं, जिसका हर एक सीजन फोकस करेगा इस नॉवल की हर एक बुक के ऊपर। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले हमें जो हैरी पॉटर की मूवीज देखने को मिली हैं, तो उनके अंदर बुक की सारी चीजें अडॉप्ट नहीं करी गई थी, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को 2-3 घंटे की मूवीज में लेके आ पाना काफी मुश्किल रहता है, इसीलिए कुछ चीजें मिस हो गई थी, यानी कि वो चीजें जो कि हमने इससे पहले कभी भी हैरी पॉटर की मूवी सीरीज में नहीं देखी हैं, वो अब हमें इस टीवी सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म ने ये बात भी रिवील करी थी कि इस टीवी सीरीज का रन करीबन 10 साल का होने वाला है, और तब से अभी तक लगभग एक साल बीत चुका है। एंड अभी प्रेजेंट टाइम पर शो के बारे में जो अपडेट निकल के आ रही है, तो उससे फैंस कम से कम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें ये शो कब तक देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात निकल के आती है कि आखिर इस टीवी सीरीज का शो रनर कौन होने वाला है, यानी कि वो कौन होगा जो कि इस टीवी सीरीज का भार संभालेगा। तो इससे पहले करीबन 4 नाम सामने आए थे, कैथरीन जॉर्डन, टॉम मॉरिन, मार्था हिलर एंड मिशेल लेस्ली, बट अभी जो अपडेट निकल के आई है तो उसके हिसाब से सिर्फ 2 नाम बाकी रह गई हैं, और वो हैं कैथरीन जॉर्डन एंड टॉम मॉरिन, जिसके बाद एक और नया नाम ऐड हुआ है और वो होने वाली है फ्रांसिस्का गार्डिनर। एंड अभी जो नाम सामने निकल के आ रही हैं, तो वो इससे पहले सक्सेशन, हिज डार्क मटीरियल्स जैसे टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं। एंड अभी रिसेंट टाइम पे इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कौन हैरी पॉटर टीवी सीरीज का शो रनर होने वाला है, तो इसका फैसला किया जाएगा जून के महीने में। एंड उसी के बाद ही हमें इस सीरीज की मेन कास्टिंग के बारे में भी अपडेट जानने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इसके बारे में कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है कि नया हैरी पॉटर, नई हरमाइनी ग्रेंजर एंड नया रॉन वीजली कौन होने वाला है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर ये शो आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए तो प्लेटफॉर्म ने कोई भी ऑफिशियल डेट कंफर्म नहीं करी है, बट फिर भी कैसे ब्लॉइस ने ये कहा है कि आपको ये शो देखने को मिल जाएगा 2026 तक। अब उसका मिड होगा या एंड होगा तो इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। साथ ही इसके बारे में ऐसे रूमर भी निकल के आ रही है कि इस टीवी सीरीज का बजट होने वाला है करीबन $200 मिलियन पर सीजन। एंड इसे देखने के लिए आप में से कौन कौन बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहा है, तो नीचे हैशटैग हैरी पॉटर टीवी सीरीज कमेंट करना मत भूलना। एंड आगे इसको लेकर जो भी अपडेट होगी मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्म करता रहूंगा।